फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे तोल फिश करी विद फिश फ्राई और इसे सर्व करेंगे रोटी और राइस के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने फ़िश करी बनाने के लिए एक पैन गरम कर लिया है और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें कड़ी पत्ता लीव्स ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और ये हमने पेस्ट बनाया है जिसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 टुकड़ा गीला नारियल और 4 से 5 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया आधा कप लिया था उसका हमने ये पेस्ट बनाया है। और ये पेस्ट डालते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे क्योंकि हम इसमें गीले नारियल का यूज़ कर रहे हैं तो नारियल का दूध की वजह से वो फट सकता है अगर आप फास्ट फ्लेम पर गर्म तेल में डालेंगे तो इसलिए हमने ये लो फ्लेम पर इसे ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जो मसाले का पानी था मैंने वही ऐड किया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। आधा कप लगभग मैंने पानी यूज़ किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और साथ में हम ऐड कर लेंगे नमक एज़ पर टेस्ट और हम इसे अच्छी तरह से अभी मिक्स करेंगे और भून लेंगे तेल छूटने तक ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। और ये देखिए, मैंने इसे तेल छूटने तक भून लिया है हाई फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कोकम। आप अगर इमली खाते हैं तो आप इमली का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम ऐड कर लेंगे फ़िश। ऐड करते वक्त भी हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे नहीं तो हमारा मसाला जल सकता है। और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त चम्मच थोड़ा स्लो आप हम मिक्स करेंगे ताकि मच्छी जो है वो टूट ना जाए। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 ग्लास पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा फिश भी अच्छे से पक जाए और ग्रेवी भी रेडी हो जाए। ये देखिए, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट पकने देंगे ताकि हमारा फिश करी अच्छी तरह से पक जाए और रेडी हो जाए। और ये देखिए, हमने इसे 5 से 6 मिनट पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे इसी तरह से रहने देंगे ताकि तेल जो है वो ऊपर आ जाए तो तरी अच्छी आएगी। अब हम दूसरी तरफ फ़िश को मसाला लगाकर फ्राई करेंगे। तो ये हमने फ़िश ले लिया है, अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर और नमक एज़ पर टेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सिंपल तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं लेकिन इसी में टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मैरिनेट होने देंगे। और 10 मिनट बाद हम एक पैन गरम कर लेंगे और जब पैन अच्छा गरम हो जाए तब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लेंगे और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अच्छी तरह से देखिए, मैंने स्प्रेड कर लिया है तेल को। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और फिश को ऐड कर देंगे। फ़िश जब भी आप फ्राई करें तब मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करें ताकि हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाए, पक भी जाए और मसाला भी जले ना। और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। थोड़ा सा मैं तेल स्प्रेड कर देती हूँ ताकि इवनली सारी मच्छी में पहुँचे। और ये देखिए, हमने इसे एक तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है, 2-2 मिनट तक मैंने रखा था सिर्फ और 2 मिनट के बाद मैंने इसे पलट लिया है और ये हमारी फ़िश दोनों तरफ से बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए, हमारी फ़िश फ्राई और फ़िश करी और साथ में हमने लिया है प्लेन राइस और चपाती। और
आप इसे इसी तरह से सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।